बरेली में बीती रात नाना को खाना देने गई 18 वर्षीय युवती शिवानी पुत्री श्यामवीर की किसी ने हत्या कर दी और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। जब सुबह घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को हुई तो गांव में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना भमौरा के गांव कुंडा का है मामला। बताया जाता है कि युवती शिवानी दिल्ली से भमौरा में 12वीं की परीक्षा देने आई थी। इसी दौरान उसके साथ ये घटना हो गई। जानकारी के मुताबिक युवती शिवानी के पिता श्यामवीर के परिवार के साथ नाना के परिवार के भी कई लोग इसी गाँव में रहते हैं। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ का कहना है, थाना भमौरा के गांव कुंडा में 18 वर्षीय युवती रात में अपने नाना के पास 9 बजे के आसपास खाना देने गई थी। नाना से कहकर गई थी, अपनी महिला दोस्त के पास जा रही हूं। फोन पर बात करते हुए चली गई। आज सुबह गाँव वालों ने गाँव से 100 मीटर की दूरी पर उसकी लाश को देखा। एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसमें पड़ी हुई थी। जब देखा उसके गले पर कोई नुकीले हथियार से वार करके हत्या की गई है। जांच पुलिस कर रही है, ये किससे बात कर रही थी और रात को किसके पास गई थी। नाचन, ये रात आपको खाना देने आई थी? हाँ, खाने आई 9 बजे। फिर 9 बजे बोल, मैं यहाँ जा रही पिछौरे, यहाँ खोया हूँ बब्बू, हाल आ रही हूँ, बस इतनी कह के चली। फोन से बात करती हुई रात में ढूंढा आपने? मैं लली गई तो बोल मैं जा सुनी लेट गई, हुए चली गई। मैं दवाई खाई, मैंने तय मैं लेती हूँ दवाई, मैंने खाई है खुराक तय मैं लेती हूँ। थाना भमौरा के अंतर्गत ग्राम कुड्डा में एक 18 वर्षीय युवती ये रात को अपने नाना के पास खाना देने 9 बजे के आसपास गई थी और उसके बाद अपने नाना से ये कहते हुए चली गई थी कि वो किसी दोस्त के, जो महिला दोस्त है उसके घर जा रही है, और फ़ोन पे बात करते हुए चली गई थी। और सुबह गांव वालों ने उसकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूर एक पानी भरा हुई जगह है वहाँ पर देखी गई। और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनकी गले में कोई नुकीला कोई हथियार यूज करके इसकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा जो शव है उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि मौत का जो कारण है वो पता चल पाए और पता किया जा रहा है कि रात को ये किसके यहाँ गई थी, और उसके आधार पर इसमें अभी मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और जल्दी इसका जो केस का अनावरण किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।